हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कैंगन वाटर डिवाइस की। ये एक जैपनीज कंपनी है। 1974 में इस मशीन का निर्माण किया गया था, जिसके बाद 20 साल तक इसको जापान के हॉस्पिटल्स में लगाया गया, जहां पर मिरेकुलस रिजल्ट्स देखे गए। इस मशीन को 6500 डॉक्टरों ने इंडोर्स किया और 2016 में इस मशीन को इंडिया में लॉन्च किया गया। दोस्तों, कैंगन मशीन की एवरेज लाइफ 15 से 25 साल तक देखी गई है। हमारा शरीर 70% तक पानी से बना हुआ है, हमारा ब्रेन 80% पानी से बना हुआ है, हमारी आंखें 95% तक पानी से बनी हुई है, हमारे लंग्स 90% पानी से भरे हुए हैं, हमारी किडनियां 82% पानी से बनी हुई हैं, बोन्स जो इतनी सख्त होती हैं वो भी 22% पानी से बनी हुई हैं, हमारे ब्लड में 85% तक पानी होता है, हमारी मसल्स 75% पानी से बनी हुई होती हैं। इसका मतलब हमारा शरीर पानी का ढांचा है। दोस्तों, आपने सुना होगा जल ही जीवन है। कभी आपने सुना है समोसा ही जीवन है, कचौड़ी ही जीवन है, आलू पोहे ही जीवन है? नहीं सुना है ना, क्योंकि वाटर इज लाइफ। इसलिए आज हम बात करेंगे पानी की। दोस्तों, 1950 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें 3 प्रॉपर्टीज मौजूद थी जो दुनिया के 40 स्रोतों में पाई जाती है, जैसे कि चश्मेशाही, हुंजा वैली, गंगोत्री, आबे जमजम। इन पानियों के ऊपर रशियन साइंटिस्ट और जैपनीज साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च किया और पता लगाया उन 3 प्रॉपर्टीज़ का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है एक्टिव मॉलिकुलर हाइड्रोजन, दूसरी प्रॉपर्टी होती है माइक्रो क्लस्टरिंग, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एंटी ऑक्सीडेंट, चौथी प्रॉपर्टी होती है अल्कलाइनाइजेशन। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एक्टिव मॉलिकुलर हाइड्रोजन, जिसके लिए मैं इस मशीन से पानी निकाल रहा हूँ। दोस्तों, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये था एक्टिव मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। झरनों से टकरा के जब पानी नीचे आता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से उसका H पॉजिटिव अलग हो जाता है और OH नेगेटिव अलग हो जाता है। जो आपने देखा ग्लास के अंदर, वो OH नेगेटिव था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ पीने का पानी नहीं होता है, इसमें 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर और 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर भी निकलता है, जिसको मैंने इन 2 बॉटल्स में निकाल लिया है। ये है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और ये है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर ले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ा सा धनिया, इसमें भी सेम है। दोनों को हम वॉश करने के लिए एक में 11.5 डालेंगे और एक में घर का पानी, जिससे हम सब्जियां धोते हैं। पहले हम इसमें 11.5 डाल देते हैं। इस कंटेनर में आरओ का पानी डाल देते हैं। मेरे राइट साइड का कंटेनर, इसमें 11.5 डाला है और इसमें नॉर्मल आरओ का पानी। इसका रिजल्ट हम बाद में देखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी की। सबसे पहले मैंने इसमें ग्रीन टी का बैग ले लिया है पहले ग्लास में, और इसमें मैं रेगुलर आरओ वाटर ले लेता हूँ। कभी आपने देखा है कि ठंडे पानी से ग्रीन टी बनता है? नहीं बनता है, गर्म से बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे ग्रीन टी नहीं बना। अब दूसरे ग्लास में हम 9.5 ले लेते हैं। में सवाल आ रहा होगा कि पहले मैंने ये ग्रीन टी का बैग इसमें डाला, उसमें गीला हो गया, अब इसमें डाला तो ग्रीन टी बन गई। इसके लिए मैं उसे एक और ग्लास में निकाल लेता हूँ आरओ के पानी से, देखते हैं क्या होता है। ग्रीन टी नहीं बनी। अब इसी टी बैग को हम इस चौथे ग्लास में ले लेते हैं, कैंगन वाटर डालने से क्या होता है। दोस्तों, फ़र्क आपके सामने है। इन दोनों आरओ वाटर में ग्रीन टी नहीं बनी है और इन दोनों कैंगन वाटर में ग्रीन टी अच्छे से बन चुकी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैंगन वाटर एकदम माइक्रो क्लस्टरिंग है, एकदम सूक्ष्म है, पतला है, और कैंगन वाटर के जो मॉलिक्यूल, उसका गुच्छा होता है, क्लस्टर्स होता है, वो 5 to 6 होता है। आरओ के पानी के या किसी और पानी के क्लस्टर्स 28 से 30 के गुच्छे में होते हैं,
दोस्तों यही एक कारण होता है डिहाइड्रेशन का। जितना भी आप पानी पीते हैं, एक थ्योरी के हिसाब से उसमें बताया गया है कि आपका जो पानी है वो शरीर में 5-10% ही सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, बल्कि इसके उलट कैंगन वाटर 90-95% आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। दोस्तों मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने जीरे के बारे में बताया है, जिसमें मैंने हल्दी के बारे में बताया है, वो प्रॉपर्टी भी माइक्रो क्लस्टरिंग है। कैंगन वाटर का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, जिसकी वजह से वो सेल्स में इजीली पेनिट्रेट कर लेता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। जो सेल्स होते हैं वो इस टी बैग के छेद से भी 1,00,000 गुना तक पतले होते हैं। दोस्तों पानी का काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। आइए देखते हैं कि कैंगन वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। ये दो ग्लास आपके सामने रखे हैं जो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बॉडी ने काजू किशमिश खाए, प्रोटीन्स खाए, वहीं दूसरी बॉडी ने भी काजू किशमिश खाए, प्रोटीन्स खाए। अब देखते हैं पानी इनको शरीर में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। ये आरओ वाटर और ये कैंगन वाटर 9.5। कैंगन वाटर ने ट्रांसपोर्ट का काम बिल्कुल बखूबी किया है, वहीं आरओ के पानी ने ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं किया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी की वजह से न्यूट्रिशन पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेशन की। एंटीऑक्सीडेशन समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन मतलब जैसे ही सेब को काटा जाता है तो वो थोड़ी देर के बाद भूरा हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वैसे ही जब लोहा बाहर पड़ा रहता है तो उसको जंग लग जाता है, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेम इसी प्रकार हमारे शरीर भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू सिकनेस, सिकनेस इज इक्वल टू एजिंग। मेरा एक डेमो है जिसमें लिम्सी और बीटाडीन का यूज़ करके मैंने ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट समझाया है। इस मीटर को बोलते हैं ORP मीटर। ORP का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रिडक्शन करने का कितना क्षमता किस पदार्थ में है, ये मीटर उसको दर्शाता है। तो इसमें जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, देख सकते हैं इसके सामने एक रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग प्लस में है, ये वही रीडिंग है प्लस की जिसकी वजह से सेब भूरा हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान बूढ़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक टिप लगा है जो बहुत सेंसिटिव है और इस हवा के ऑक्सीडेशन को मेज़र कर रहा है और रीडिंग शो कर रहा है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कोल्ड ड्रिंक का ORP। देख सकते हैं ये प्लस में है, ये है आरओ का पानी, ये भी प्लस में है। अब देखते हैं कैंगन वाटर को। दोस्तों ये नेगेटिव है, इसका ORP -600 से भी ज़्यादा है। दोस्तों ORP +1 भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, वहीं -1 ORP भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ORP चार्ट के लिए आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं। इसका मतलब अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इसका मतलब वो 400 गुना तेजी से आपको बूढ़ा कर रहा है। आरओ वाटर का हमने देखा ORP +230 के अराउंड था, इसका मतलब वो आपको 230 गुना तेजी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है। दोस्तों ग्रीन टी इसलिए पी जाती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ब्लूबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ब्रोकली में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैंगन वाटर में भी -ORP मतलब एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं अल्कलाइनाइजेशन की, जिसके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक को लिया है, एक्वाफिना पानी बोतल को लिया है जो आरओ को भी रिप्रेजेंट करेगा, और कैंगन वाटर 9.5। आइए इसमें देखते हैं ये pH सॉल्यूशन डालने से क्या होता है। pH सब्जेक्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें लिटमस पेपर से हम चेक करते थे कि कोई भी लिक्विड एसिडिक है या न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। सेम लिटमस पेपर अब लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। आइए हम इसको चेक करते हैं कोल्ड ड्रिंक में डाल के कि इसका नेचर क्या है। दोस्तों ये देखिए, ये हाईली एसिडिक है,
जैसा कि बाबा रामदेव अपने प्रवचन में बताते हैं कि ये एक टॉयलेट क्लीनर है। ये कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट हमने लिया है, लेकिन ये हर कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता है इसलिए हमने इसको लिया है, लेकिन ये हर कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अब चेक करते हैं एक्वाफिना पानी को। दोस्तों देखिए, ये भी एसिडिक है। अब चेक करते हैं कैंगन वाटर को। दोस्तों देखिए, ये अल्कलाइन है। आप दिए गए चार्ट को रिलेट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइए कि किसका क्या पीएच है। कोल्ड ड्रिंक हाईली एसिडिक है, एक्वाफिना पानी और आरओ का पानी एसिडिक है, और वहीं कैंगन वाटर अल्कलाइन है 9.5। दोस्तों कई लोगों का कॉमन सवाल रहता है कि ये मशीन लगाने के बाद अगर हम कहीं बाहर जाएंगे और दूसरा पानी पियेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब तो नहीं हो जाएगी। मान लीजिए ये मेरा शरीर है जो अल्कलाइन है, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री चले जाता हूँ 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वहाँ पर मैं बॉटल वाटर से पानी पीता हूँ, तो देखिए मेरे शरीर पे इसका क्या प्रभाव होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मैं कोई और पानी पीता हूँ, तो भी मेरे शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं अगर आप ये वाला पानी पीते हैं लेकिन ये मशीन लगाने के बाद इसका पानी पीते हुए आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। देखिए कैसे। दोस्तों क्लियर है कि ये मशीन लगाने से आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है। दोस्तों आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग, इन्होंने ये साबित किया है कि जो बॉडी अल्कलाइन होती है उसमें कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, वहीं जो बॉडी एसिडिक होती है इसका मतलब उसमें कोई भी बीमारी प्रवेश कर सकती है, यहाँ तक कि कैंसरस टिश्यू भी एसिडिक होते हैं और एसिडिक एनवायरमेंट में कैंसरस टिश्यू पनपते हैं। ये बात उन्होंने साबित की, जिसके लिए उनको नोबल पुरस्कार मिला है, जो दुनिया का सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों ये डेमो देखने के बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन आप बंद कर दीजिए। देखिए ये कितनी खतरनाक है, जैसे ही ये किसी बॉडी में जाती है। दोस्तों ये थी प्रॉपर्टी अल्कलाइनाइजेशन। दोस्तों बात करते हैं 11.5 पीएच का पानी जिससे सब्जियों को वॉश किया जाता है उसमें भिगाने के बाद। ये राइट साइड में मैंने सब्जियां 11.5 पानी से भिगाई है और इसमें आरओ के पानी से। दोस्तों अब देखते हैं इसका रिजल्ट। ये दोनों को हम यहाँ ले लेते हैं। इस कंटेनर के पानी को हम इसमें निकाल लेते हैं और इस कंटेनर के पानी को इस ग्लास में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसमें कितना पेस्टिसाइड्स निकला है और ये सिर्फ धूल मट्टी निकाल पाया है। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें रखी सब्जियों का क्या रिजल्ट है। इसमें धनिया में कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है और इसमें बहुत ही महकती खुशबू आ रही है। इसके टमाटर को चेक करते हैं, आरओ के पानी से धुले हुए टमाटर को चेक करते हैं कि इसका ओआरपी कितना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ओआरपी प्लस में है। दोस्तों आइए अब चेक करते हैं कैंगन वाटर से धोने के बाद इस टमाटर का ओआरपी कितना है। इसके लिए मैंने इसके प्रॉप को इसके अंदर डाल दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ओआरपी नेगेटिव है। आइए दोस्तों देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास सीसम ऑयल है, तिल का तेल, इसको मैंने दोनों ग्लास में समान मात्रा में निकाल लिया है। दोस्तों क्या कभी पानी और तेल मिक्स होते हैं। हम इसमें पानी डालते हैं तेल में। दोस्तों तिल के तेल में जब हम आरओ का पानी डालते हैं तो तेल और पानी मिक्स नहीं होते, तेल ऊपर आ जाता है क्योंकि ये हल्का होता है। दोस्तों ये तेल वो है जो पेस्टिसाइड को छिड़काव करते समय लगाया जाता है, जिसकी वजह से बरसात में नहीं निकलता, और इसको आप कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी देख सकते हैं, नसों में चर्बी जम जाती है, ये तेल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं जब इस तेल में 11.5 पानी जाता है तो क्या होता है। दोस्तों तेल के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, इसका पूरा दूध बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।
दोस्तों आइए अब देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमो जिसमें हम गौमूत्र का यूज़ करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि गौमूत्र पीना अच्छा रहता है, क्या आपको पता है गौमूत्र क्यों अच्छा रहता है? आइए चेक करते हैं। ये एक पतंजलि कंपनी का गोधन अर्क है, आइए इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चेक करते हैं कि ये पीना सेहत के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। इसका सील ओपन करते हैं और इसका ORP चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ORP नेगेटिव में है। आइए अब देखते हैं ग्रीन टी में गोधन अर्क डालने से क्या होता है। ग्रीन टी बन गई है, अब इसका pH चेक करते हैं। दोस्तों ये अल्कलाइन भी है। आइए अब देखते हैं तिल के तेल में जब गोधन अर्क डालते हैं तो क्या होता है। इसका दूध बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जो प्रॉपर्टीज़ हमने कैंगन वाटर की मशीन में देखी वो सारी प्रॉपर्टीज़ गोधन अर्क मतलब गौमूत्र में भी पाई जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, आप दिन में कितना गौमूत्र पी सकते हैं? एक ढक्कन ये मशीन आपको दिन भर पानी देगी जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होगा, अल्कलाइन होगा और माइक्रो क्लस्टरिंग होगा, जिसके साथ इसमें एक्टिव मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी आपको मिलेगा। दोस्तों अब आपके पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो आप गाय पालिए या एक मशीन को मेंटेन कीजिए, फैसला आपका है। सबसे पहला मॉडल है जूनियर 4 जो है 2,18,000 रुपये का, जिसकी कंपनी वारंटी 3 साल की है, जो -450 mV का ORP देती है और 5 प्रकार के पानी बनाती है। दोस्तों नेक्स्ट मॉडल है SD501 जिसकी कीमत है 2,77,000 रुपये प्लस कुरियर चार्जेस। दोस्तों ये एक फ्लैगशिप मॉडल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। दोस्तों ये मशीन -800 तक मिलीवोल्ट्स ORP देती है और ये 5 प्रकार के पानी बनाती है। उसके बाद का मॉडल है SD501 प्लेटिनम जो कि सेम मॉडल है SD501 टाइप का, जो कि बॉडी प्लेटिनम है और उसमें 5 प्रकार की लैंग्वेजेस है, बाकी हर चीज़ एकदम सिमिलर है और इसकी कीमत है 2,97,000 रुपये प्लस कुरियर चार्जेस। दोस्तों अगला मॉडल है K8 कैंगन 8, जी हाँ मेरा फेवरेट मॉडल। दोस्तों प्लेट्स के मान से ORP की अगर बात करें तो ये कैंगन का टॉप मॉडल है जिसमें -850 नेगेटिव ORP का मिलीवोल्ट्स देती है। ये मशीन भी 5 प्रकार के पानी बनाती है। दोस्तों अगला मॉडल है सुपर 501, ये 12 प्लेट का मॉडल है जिसमें 2 चैम्बर है, एक 5 प्लेट का एक 7 प्लेट का। सुपर 501 से 5 प्रकार के पानी निकलते हैं। दोस्तों सुपर 501 के 11.5 और 2.5 के पानी का जवाब नहीं, और सुपर 501 अक्सर ज़्यादा लोगों के लिए जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट के लिए और बिग फैमिलीज़ के लिए। ये एक हैवी ड्यूटी मॉडल है। सुपर 501 की कीमत है 3,97,000 प्लस कुरियर चार्जेस। ये आपको -800 ORP मिलीवोल्ट्स देती है। इस मशीन में भी 5 प्रकार के पानी निकलते हैं। दोस्तों सुपर 501 की वारंटी कंपनी से 3 साल की मिलती है। 23 कंट्रीज में इसके ऑफिस हैं। इंडिया में इसका ऑफिस बेंगलोर में है। दोस्तों इस मशीन को बेचने का एक प्लान भी होता है जिसको हम बिजनेस प्लान बोलते हैं, 6A प्लान। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके रेफरल प्रोग्राम के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि इस मशीन को हम फ्री कैसे कर सकते हैं? जी हाँ फ्री। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9096132000। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।